एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही एक अमेजिंग क्रीम, जिसको कि सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। बॉयज गर्ल्स सभी यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी एज 10 साल की है या फिर 50 साल के, तब भी आप इसको यूज करके बहुत ही अच्छी वाली स्किन पा सकते हैं। दोस्तों, जो मार्केट वाली चीजें हम यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो कि सभी की स्किन को सूट नहीं करते हैं। बट जो हम चीजें घर में बनाते हैं, एकदम से नेचुरल होती है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हम उसमें चीजें कम ज्यादा डाल सकते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा बेहतरीन होती है। तो एक बार आप इस क्रीम को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, ये क्रीम ही नहीं है, इसके साथ साथ ये मास्क भी है। अगर आप सोने से पहले इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करते हैं और पैक की तरह यूज करते हैं, तब भी आपको बहुत ही अच्छे वाला रिजल्ट मिलता है। बस आपको क्या करना है, फेस को वॉश करने के बाद इसको क्रीम को ले लेना है, पूरे फेस के ऊपर 5 मिनट मसाज करनी है। फिर आपको जिस तरह से आप पैक लगाते हैं ना, उस तरह अपने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर इसको लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद फिर से थोड़ी सी क्रीम लेकर अपने पूरे फेस के ऊपर मसाज करके सो जाइएगा। तो दोस्तों, इस तरह करने से कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही बेहतरीन वाला विजिबल रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, ये क्रीम मैंने बनाई है पोटैटो से। पोटैटो हम सबको पता है कितना ज्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। अगर हम उसका रोज जूस ही अपने फेस के ऊपर लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा चमक जाती है, तो ये क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगी। तो चलिए जल्दी से दिखाती हूँ कि इस क्रीम को मैंने किस तरह से बनाया है और कितने दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक मीडियम साइज का आलू ले लीजिए। आलू बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्किन के ऊपर चमक आ जाती है। दोस्तों, तो आपको इसकी स्किन को उतार लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आप इसको एक ब्लेंडर के जार में इस तरह से डाल दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो कैमरा है उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा जो आपको इमेज है वो हिलती हुई दिखाई देगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तो इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, उतना ही पानी डालना है ताकि आलू जिसमें अच्छी तरह से डिप हो सके। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितना पानी ऐड किया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को प्रेस कर दे, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ये सब कुछ फ्री होता है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको हर तरह के वीडियोज़ मिलेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कोई भी आपका कॉमेंट हो मुझे आप ज़रूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूँगी दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोटैटो था और पानी था उसको ब्लेंडर जार में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले। एक कंटेनर ले, उसके ऊपर आप स्ट्रेनर इस तरह से रख लीजिए और इसको अच्छी तरह से छान लीजिए, ताकि जितना के भी इसमें पल्प होगा या मोटे पीस होंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिक्विड निकल गया है, जो इसका ऊपर वाला पल्प है उसको फेंकिएगा मत। उसमें आप थोड़ा सा चावल का आटा डाल के बहुत ही अच्छा सा स्क्रब बना सकते हैं, जिसको कि आप बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें यूज़ करना है कॉर्नफ्लावर। तो दोस्तों, ये कॉर्नफ्लावर मक्की का आटा नहीं होता है, ये वाइट वाला कॉर्नफ्लावर है। अगर आपके पास ये वाला कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर का भी ऐड कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है वो नीचे बैठ जाता है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको, लिक्विड को आपको फ्राई पैन में डाल देना है दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको आपको अच्छी तरह से लगातार हिलाना है, गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है दोस्तों। 1 मिनट से भी कम समय में ये आपका बहुत ही एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा, जिस तरह की क्रीम होती है। तो यहाँ पे मैंने क्लिप को काटा नहीं है बल्कि फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियरली दिख सके। तो दोस्तों, ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा कमाल करती है, समर में, विंटर में, जब चाहे आप इसको यूज़ कीजिए। और इसको एज अ पैक अगर आप यूज़ करती हो तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी एक क्रीम बन गई है। इसका कलर देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा आया है। अभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपसे पहले कहा, जब भी हम घर में कोई क्रीम बनाते हैं उसमें चीज़ें हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऐड करने वाली हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है अगर आपके पिगमेंटेशन है, एक्ने है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है, आप एलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, या विटामिन ई का ऑयल भी डाल सकते हैं। जो भी आपको सूट करे आप उसको डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। मेरी स्किन जो नॉर्मल है, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो मस्ट है ना, आपको इसमें डालना है एसेंशियल ऑयल दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़रूर मंगवा के रखिए, ये बहुत चीज़ों में काम आता है, आपकी स्किन केयर के, आपके हेयर केयर में के काम आता है दोस्तों। इसकी बहुत कम ड्रॉप्स लगती है और बहुत ही अमेजिंग काम करता है। आप किसी भी कंपनी का मंगवा के रख सकते हैं। लेमन जो एसेंशियल ऑयल होता है, ये तो आपकी क्रीम को लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेगा। तो इसमें मैंने 10 ड्रॉप्स डाले हैं, अच्छी तरह से मिक्स करके किसी भी कंटेनर जार में निकाल के आप इसको फ्रिज में 5 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों।